10,000 रुपये आज सिर्फ आपको लगाने हैं। 10,000 रुपये आपने ले लिए ब्याज पर, और इस ब्याज पर इन 10,000 रुपये को रुपये का अगर आप ब्याज लगाओगे पर महीने का 300 रुपये है। तीन के क्योंकि तीन के ब्याज पर हर एक बंदा आपको दे देगा। कल के लिए आपको पैसा ले लेना है। यहाँ पर 3,600 रुपये आपके एक साल के हो गए, और इसमें हमको मतलब 10,000 रुपये में हमें प्लस करना है 3,600 रुपये को। और यहाँ पर टोटल जो रकम हो गई है, यह टोटल रकम हो गई 13,600 रुपये। तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज का है वह टोटल ब्याज, एक ब्याज और मूल टोटल हो गया 13,600 रुपये। इन 10,000 रुपये को आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है तो वही आपसे व्यू बताऊंगा। कि अगर आप मरे से मरा कम से भी कम आपकी अर्निंग हो रही है महीने की, कम से भी कम आप महीने का 3,000 रुपये इन 10,000 रुपये को लगा करके अगर आप महीने का 3,000 भी कमा रहे हो, इजीली कमा सकते हो। मरे से मरा बंदा 3,000 रुपये इजीली कमा सकता है महीने का। 3,000 रुपये महीने का भी कमाने लग जाओ यहाँ पर, अगर आप 3,000 रुपये महीने का भी कमाने लग जाओ तो इसकी टोटल अर्निंग क्या हो जाएगी, 36,000 रुपये। आप 3,000 रुपये महीने का भी कमा रहे हो तो 12 से गुना कर करके एक साल के अंदर आपका टोटल, आपकी टोटल इनकम कितनी, 36,000 रुपये। और इस 36,000 रुपये से आपको माइनस करना है ओनली 13,600 रुपये को। 13,600 रुपये यहाँ पर ब्याज और मूल हो गया, और 3,000 रुपये पर महीने अगर हम कमा रहे हैं तो आने वाले 3,000 रुपये अगर हम पर महीने कमा रहे हैं तो आने वाले 12 महीने के अंदर हमारी टोटल अर्निंग हो जाएगी 36,000 रुपये। टोटल अर्निंग 36,000 रुपये हो जाएगी, और इस टोटल अर्निंग में अगर हम माइनस करेंगे 13,600 को 22,400 रुपये। आप इजीली एक साल के अंदर आप कमा रहे हो एक साल के अंदर 22,400 रुपये। यहाँ पर आपके जेब से क्या लगा, कुछ भी आपके जेब से नहीं लगाना है, सिर्फ 10,000 रुपये आपको ब्याज पर लेने हैं। 10 हर महीने के अगर आपके 10,000 रुपये का ब्याज है 300 रुपये हर महीने का, तो आने वाले एक साल के अंदर टोटल ब्याज आपका 3,600 रुपये हो जाएगा। टोटल ब्याज 3,600 हो जाएगा। 10,000 रुपये अपने ब्याज पर ले तो टोटल 13,600 रुपये हो जाएंगे। और इन 13,000 रुपये को अगर मरे से मरा कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो, उस बिजनेस में सिर्फ आपको 2 से 4 घंटे देने हैं या फिर 6 घंटे देने हैं। अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, आप मजदूरी करते हो या फिर कुछ भी करते हो, उसके साथ साथ आप अगर 4 घंटे भी आपको पूरे दिन में आपको हर एक बंदे को 4 से 6 घंटे आराम के मिलते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, हर एक बंदे के पास में इतना ज़्यादा टाइम है कि वह अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हर बंदा ब्याज पर पैसे लेता है, लेकिन वह उसे सिर्फ उड़ाने, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए वह बंदा ब्याज पर पैसे लेता है, जो कि 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली यह गलतियाँ करती है। अगर वो पैसा कमाना है तो 3,000 रुपये ईजली मरे से मरा हर कोई बंदा कमा सकता है महीने का किसी भी बिजनेस से, लेकिन उसको सिर्फ यह सोच करके कमाना है कि इस 10,000 रुपये से जितने भी अर्निंग हमारी होगी, जितनी भी अर्निंग मैं इस 10,000 रुपये के बिजनेस से करूँगा, मुझे इस पैसे को नहीं छेड़ना है जब तक मैं इस पैसे का ब्याज और मूल न चुका दूँ। उसके बाद में जितना भी मेरे पास में बचेगा मैं उसके बाद में इस पैसे का यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आपसे यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपको कोई भी डिफरेंट या फिर कोई भी पार्ट अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए आप सिर्फ कमेंट कर देना। ऐसा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक ज़्यादा ज़्यादा कर देना। आप सभी से ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए बाय एंड लव यू।